नमस्कार, मैं आपके साथ सुमित यादव और आप देख रहे हैं द सुनामी। और इस समय मेरी मौजूदगी आजमगढ़ जनपद की लालगंज लोकसभा में है और तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये निजामाबाद विधानसभा है। आप लोगों को तस्वीरें लगातार दिखाने का ये प्रयास कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले जनता क्या मूड बना रही है, 10 साल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल किस तरीके से जनता देख रही है, अब नतीजे का समय है, ये परीक्षा का समय है और रिपोर्ट कार्ड का समय है। क्या जनता रिपोर्ट कार्ड देती है, वही हम लोग जानने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। किस मुद्दों को लेकर जनता वोट डालने जाएगी, वो मुद्दे हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। 10 साल में अच्छे दिन के जो वादे किए गए थे, वो अच्छे दिन आए या नहीं आए। जनता बदलाव चाहती है, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। जनता से जानते हैं, क्या नाम है साहब आपका? राम मिलन। क्या है माहौल? माहौल इंडिया गठबंधन का चल रहा है। यहाँ समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं दुर्गा प्रसाद सरोज जी, जो कम से कम 2 लाख से ऊपर से चुनाव जीत रहे हैं। माहौल इंडिया गठबंधन का चल रहा है, 400 पार हो रही है भाजपा भारत में, पूरे भारत में। और भाजपा हो रही है 400 पार? नहीं नहीं, भाजपा 400 पार अपने मुंह से कह रही है ना। आप बताइए, वोट गिनने के बाद पता लगेगा कौन पार्टी कितनी सीट पाई है कि पहले, ये भी एक प्रश्न है कि नहीं। या तो उनका ईगो हो, या तो उनका घमंड हो मोदी जी का, या तो उनका कहीं भाई उनके मन में खोट हो। नहीं तो आदमी किसी से चुनाव लड़ने वाले से पूछिए, वह कहता भाई चुनाव वोट पड़ जाएगा, गिनाने के बाद पता लगेगा मैं हारूंगा कि जीतूंगा। और आप 400 पार क्यों कह रहे हैं? अपने आप कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज है या तो कहीं से चोरी हो। अरे इतना काम किए हैं, काम के बल पे कह रहे हैं। नहीं, नहीं। सब जनता खुशहाल है, किसान युवा सब खुशहाल है। किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पूछेंगे एक काम भारतीय जनता पार्टी को बता दे, चुप हो जाएगा। अच्छा, किसी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे क्या किए हैं, वो मंदिर और मस्जिद के अलावा कुछ नहीं बता पाएंगे। जो दस साल सरकार काम की है भारत में, वह मंदिर और मस्जिद पर धर्म के नाम पर वोट मांगे, वो काम क्या की है? अरे बताइए, 500 साल पुराना मुद्दा राम मंदिर बनवा दिया। आप बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, एक मिनट, आप पढ़े लिखे हैं। जनता का मूल मुद्दा क्या होना चाहिए? उसको रोजगार चाहिए, उसको रोजी रोटी चाहिए, उसको स्वास्थ्य उसका सही होना चाहिए, उसका परिवहन सही होना चाहिए। ये तीनों की बात नहीं करते, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। रोजी रोजगार सरकार नहीं दे रही? अरे भाई, इन्होंने रोजी रोजगार खत्म कर दिया कि नोटबंदी जीएसटी ला करके कितनी जो छोटी छोटी कंपनियां थी जिसमें 150 के संख्या में लोग काम करते थे, बंद हो गई। सारी सेलिंग जो है जाके ऊपर सेट हो गई। छोटी छोटी कंपनियों को सरकार लोन दे रही है ताकि वो अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से चला सके। अरे लोन कौन लेगा? जिसके पास हैसियत होगी, जिसके पास हैसियत है लोन क्या लेगा? ये तो लोन सिर्फ उनके जबान पे प्रचार है। जब आपकी कंपनी बंद हो जाएगी तो लोन कब आप लेंगे, आप बताइए। ये प्रधानमंत्री जी को किसी तरह से वोट ले लीजिए, सत्ता में आ जाए। उनको देश के जनता को जवाब नहीं देना है, उनको कुर्सी से मतलब है। कुर्सी से मतलब है? कुर्सी से मतलब है। कुर्सी पर रहेंगे तभी तो जनता की सेवा कर पाएंगे। अरे 10 साल आप जनता जो सेवा किए उसका नाम लीजिए, क्यों मंदिर मस्जिद का नाम ले रहे हैं आप? सेवा नहीं की, सेवा करते तो सेवा का नाम लेते ना। आप अपनी योजना गिनाइए, आप मंदिर मस्जिद पे क्यों जा रहे हैं? कह रहे हैं 80 करोड़ जनता को राशन दिए, लोगों को आवास दिए, शौचालय दिए, गाँव गाँव तक सड़क पहुँचा दिए, इतना सब काम। आप एक तरफ कहते हैं कि देश हमारा विकसित हो रहा है और दूसरी तरफ वही भाषण दे रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं मुफ्त में। गरीब मुफ्त में अन्न खाता है कि विकसित व्यक्ति अन्न खाता है, आप बताइए। अमेरिका में अन्न दिया जाता मुफ्त में, वहाँ नौकरी दी जाती है, यहाँ के युवा जाके वहाँ जो है अपना भविष्य तलाश रहे हैं, रोजगार दिया जाता है, नौकरी चाहिए। क्या भैया, क्या माहौल? माहौल क्या है इस बार? यहाँ से जो है लालगंज से समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे मत से जीत रही है और ये लोग जो झूठे वादे किए हैं, जैसे जीएसटी को लेकर देख लीजिए, सब गरीब हो अमीर हो, शिक्षा तो सबको जरूरी है। कौन सा वादा झूठा है प्रधानमंत्री? सुन लीजिए, उनका तो एक भी वादा सब तो झूठा ही झूठा है। वादा उनका कैसा ही है? उनका ये नियम है कि गरीब का लड़का पढ़ने ना पाए, बताइए 18% जीएसटी कॉपी किताब कलम पे लगाए हैं। और वही आप बताइए, हीरा सबसे महंगी धातु है जो आम जनता नहीं खरीद सकती, उस पर 3% है। गरीब का लड़का पढ़ेगा कैसे? वो अमीर के लिए डायमंड बना है। गरीब कल का हीरा खरीदेगा कहाँ से? खरीदेगा वो तो अमीर का बना हुआ बनाया सिस्टम है ना, वो अमीर के लिए है, वो जानते हैं। शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए तो गेहूं चावल मुफ्त कर रहे हैं। गरीब का लड़का 18% जीएसटी गरीब कहाँ से भरेगा? जिसकी जनगणना ही नहीं करा रहे। अभी बताइए कि गरीब का लड़का शिक्षा से वंचित रहेगा कि नहीं रहेगा? आज सरकार में स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा तीनों बेहाल है। स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा तीनों बेहाल है। इन लोगों की जुमलेबाजी अब खत्म होने वाली है।
अब जनता इन लोगों के बारे में अच्छी तरह से जान गई है, जवाब देने का समय आ गया है, बस इंतजार उस दिन का है जिस दिन खुद ये हार जाएंगे। मोदी जी जो सब काम गिराने कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, मोदी का मतलब है कि गारंटी के पूरे होने की गारंटी, ये सब कैसे बताइए? गारंटी देते हैं, गारंटी हर चीज की देते हैं, वहीं पे मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं, सनातन धर्म की बातें करते हैं। ये बताइए किस कर्मकांड में लिखा गया था कि उनकी माता जी मर गई और वो कर्मकांड किए, 10 दिन तक स्नान किए? वो हिंदू भी नहीं है। और बताइए कि हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म की बात करने वाले हैं, सनातन धर्म की बात करने वाले हैं, ऐसे लोग झूठों की क्या बात करेंगे आप? अरे वो प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री हैं, अपने प्रधानमंत्री काम में व्यस्त थे, अपना एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, 18-18 घंटे काम करते हैं, व्यस्तता के कारण वो नहीं कर पाए सारा काम। बताइए जो अपनी माँ बाप के इस धरती पे अगर माँ बाप के लिए समय नहीं निकाल पाया, इस गरीब जनता के लिए क्या समय देगा? अरे आप ही लोग परिवार है, आप ही लोग के लिए सारा समय निकाल। परिवार हम है, जिस परिवार उसकी थी उसको तो छोड़ दिए, जो उसकी परिवार थी उनकी पत्नी थी उसको तो छोड़ दिए, हमारे और परिवार जिनको बताते हैं, जिसके पास परिवार नहीं है वो क्या राज चलाएगा? परिवार की बात, जिसके पास परिवार नहीं वो राज क्या चलाएगा? पब्लिक का काम चावल और गेहूं से बनेगा, आय दोगुनी होगा कि नहीं? कुछ ना, सब झूठ। एक बटा चार हो गई, 100 रुपया कमाने वाला 25 रुपया पा गया। आप किसी मार्केट में किसी बिजनेसमैन से पूछ लीजिए, 100 रुपया कमाने वाला 200 रुपया कमा रहा है। नहीं, 100 रुपया कमाने वाला 25 रुपया पे आ गया, 25 पे आज एक चौथाई हो गई, घट गए, घट गई, 1/4 हो गई यार, वो दुगनी क्या करेंगे? कौन कौन बढ़ाएगा भाई? इंडिया गठबंधन बढ़ाएगी, बढ़वा देंगे। अरे देश का निर्माण कांग्रेस ने किया, ये कहते 60 साल कांग्रेस ने लूटा, जिसने सुई से लेके मिसाइल तक बनाया, ये आदमी क्या किया बताइए? विश्वगुरु बना दिए। विश्वगुरु क्या बना दिए? झूठ बोल रहा है। अभी अमेरिका का गूगल है साइड में, उस पे अभी आप पूछेंगे तो दुनिया का सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री देता नरेंद्र मोदी। अब भाजपा के लोग कहते हैं कि अमेरिका भारत के सामने घुटना टेक दिया। अरे आपकी क्या औकात है कि क्या वो घुटना टेक देगा? अरे आपको मूर्ख बना रहा, अपना बिजनेस फैला रहा है, अपनी रोजी रोटी यहाँ फैला रहा है, यहाँ के लोगों को गरीब कर रहा है, इनका समझ नहीं है। ज्यादा नाराजगी है क्या भैया? क्या आपको लग रहा है माहौल यहाँ अच्छे दिन आगे होंगे अब तक? अरे बहुत बुरे दिन है सर, अच्छे दिन कहाँ है? अच्छे दिन तो साल हो गया, अच्छे दिन नहीं आए अभी? 10 साल पहले अच्छे दिन थे, पुराने दिन लौटा दिए, वही हमारे पुराने दिन लौटा दिए। एक जाए यूरो भाई ने सब कर बुरा, देश देश फंस जाए, आप फंस जाए, देश फंस जाएगा। कहाँ जा रहे हैं आप? देश फंस जाएगा। क्या क्या भैया आपको क्या माहौल लग रहा है? हमको माहौल क्या लग रहा है? यहाँ से सपा जिंदगी निकलेगी, सपा जीतेगी, सपा को वोट देंगे हम। हम लोग मोदी से, हम लोग नहीं है, सपा मोदी से बहुत घृणा हम लोगों को। जनता चाहती है भाजपा भगाओ, देश बचाओ। अच्छा, बस भाजपा ही तो देश को बचा रही है? नहीं, भाजपा भागेगी तभी देश बचेगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, भाजपा इस देश की सुरक्षा के लिए इतना काम कर रही है? नहीं, सुरक्षा करती तो आदमी आज भाजपा लाल आंखें दिखा रही है। नहीं सर, एकदम जनता तराई तराई हो गई है, जनता तराई तराई, भाजपा के राज में तराई तराई हो गई। राशन मिल रहा फिर भी तराई तराई हो रही है, राशन सब लोगों का पेट भर जाएगा। क्या कह रहे हैं? राशन सब लोगों का पेट भर जाएगा, उतना से 4-5 किलो राशन से। अरे कुछ अपने से भी करेंगे कि सब मोदी जी दे देंगे? मोदी से भरोसा, हम लोगों को रोजगार चाहिए, हम रोजगार रह पाएंगे तो लोग मोदी का, हम राशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हाँ रोजगार चाहिए। अच्छा, खेती किसानी करते हैं आप? खेती किसानी है ही नहीं, करेंगे क्या? नहीं है, मोदी को भरोसा, खेती किसानी रहेगी तब हम करेंगे खेती किसानी में। तो मोदी जी का काम काज नहीं बढ़िया लगा? क्या भैया आपको क्या माहौल लगा? अब की बार तो माहौल भैया सपा की है। सपा जी, भाजपा वाले कह रहे हैं सपा इस बार सफा हो जाएगी। भाजपा वाले ये नहीं कह रहे कि सपा सफा हो रही है, साफ हो रही है। अब की वाले सपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा वाले एकदम साफ हो जाएगा। अगर अब की बार भाजपा जीत गई तो हम लोग का लोकतंत्र एकदम खत्म हो जाएगा, हम लोग वोट देने का अधिकार नहीं रह जाएगा एकदम। कौन ये अफवाह फैला रहा है? ये तो झूठ है, ये सही बात है, ये सही है, सही है, एकदम सही है। खत्म कर देगी लोग, खत्म कर देगी। अच्छा, उनका यही नेत है कि यहाँ वोट देने का पूरा अधिकार है, खत्म हो जाए सबका। वोट देने का अधिकार भाजपा खत्म करने चाहिए, एकदम। कैसे चुनाव करवाएगी भाजपा? मनुवाद चाहती है, मनुवाद चाहती है, संविधान खत्म करना। क्या है मनुवाद? मनुवाद है जो पहले जमींदारी प्रथा थी, जो ये बनाया गया था, जो है कि नाऊ का काम नाऊ करेगा, अहिर चलेगा भैंस चराएगा, गडेरिया चलेगा छेड़ी चराएगा। आप क्या हैं? हम यादव हैं। तो अहिर हैं? हाँ बिल्कुल, भैंस चराएंगे। अब वही ना लाना चाह रहे हैं, वही व्यवस्था जो उनकी सोच है, जो उनके दिमाग में चल रहा है, यही चल रहा है। अगर SC और OBC अगर सुधरा नहीं तो वही ले पहुंचा देंगे जहाँ से हम आए हैं।
वही कह रहे हैं कि इसमें बुराई क्या भाई, तो आप अभी भी चलाते हो, नहीं चलाते क्या भाई? अरे अब जो है अहिर मुख्यमंत्री बन रहा, रक्षा मंत्री बन रहा, देश की रक्षा कर रहा है, अब भैंस भी चरा रहा है, भैंस भी चरा रहा है, बिल्कुल भैंस भी रखे हैं, देखिए बिल्कुल रखे हैं, भैंस नहीं रखेंगे दूध कौन पाएगा? मोदी दिए सब, देखिए देश का निर्माता जो है एससी ओबीसी है, जो खेती भी करता है, कलर्की भी करता है, अधिकारीगिरी भी करता है, और वहाँ सीमा पर रक्षा भी करता है। कोई गुजराती बता दे जो शहीद हुआ हो, ये शहीदों की बात करते हैं। साहब जो है आपको ये डर है कि मनुवाद आ जाएगा? बिल्कुल डर है, वही उनकी सोच है, और भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुल के कहते हैं कि अगर सत्ता में इस बार आएंगे तो संविधान और लोकतंत्र सब खत्म होगा। अरे कार्यकर्ता कहने दीजिए, मोदी जी तो कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब खुद भी आ जाएंगे तब भी संविधान नहीं बदलने वाला। डरा रहे हैं, फालतू डरा रहे हैं आप, कौन डरा रहे हैं जैसा कह रहे हैं आप लोग? डरा रहे हैं, डरा रहे हैं कि वो कम वक्त कर रहे हैं तब जनता डर रही है। अरे 12 बजे रात को कोई प्रधानमंत्री है ये कहेगा कि मेरे भाइयों और बहनों ये नोट 12 बजे के बाद कागज के समान हो जाएगी, ये क्या है, ये क्या है बताइए? आप स्वयं निर्णय लेंगे, देश की जनता नहीं है कुछ। आतंकवाद हो रहा था, करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, इसीलिए लाया गया नोटबंदी। आतंकवाद खत्म हो गया, जिस दिन पुलवामा हमला हुआ उसी दिन पाकिस्तान से चंदा ले रही भारतीय जनता पार्टी इलेक्टर बांड के माध्यम से, और वो कह रहे हैं हम पाकिस्तान का विरोधी है। ये विरोधी उरोधी किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, किसी जनता कुर्सी की राजनीति कर रहे हैं, जनता के हित की बात नहीं कर रहे हैं, अपने सत्ता में आने की बात कर रहे हैं। कह रहे पिछड़े वर्ग से आते हैं, पिछड़ों के मसीहा हैं, पिछड़ों के प्रधानमंत्री हैं, आप कह रहे हैं कि वो पिछड़ों का हक अधिकार खत्म करना चाहते हैं। अरे कौन सा ऐसा पिछड़ा और एससी का काम इन्होंने किया है कि जिससे हम लोग मान ले, धोखे में लोग वोट दे दिए थे। लालगंज लोकसभा में हम लोग मौजूद है, आजमगढ़ जिला है, यहाँ से दरोगा प्रसाद सरोज इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए से नीलम सोनकर उम्मीदवार बनाई गई हैं। ये जनता के बीच में हम लोग थे, 10 साल के कामकाज से जो वादे जो गारंटी मोदी जी की थी सब झूठी, वो उन पर विश्वास यहाँ की जनता को उठ गया है। एक भी गारंटी जो वादा जो आशा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट दिया गया था, भाजपा को वोट दिया गया था, उन सभी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है यहाँ की जनता का ये मानना है। अब यहाँ की जनता बदलाव चाहती है, आप लोग क्या चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी, जुड़ रहे हैं हमारे से, तब तक के नमस्कार।